फिर से शिवराज सिंह जी की सरकार स्थिर रहे, मजबूत रहे, ताकि जो बंद हो चुकी थी कल्याणकारी योजनाओं को लगातार उसका लाभ एक एक जनता को मिल सके, इस क्षेत्र में विकास हो सके। धोखा तो देखिए, मैं जिस दिन तक जिस पार्टी में रहा पूरी ईमानदारी से रहा, लेकिन जो वादे करके अगर हम गए थे उन वादों को नहीं निभा पा रहे थे, साथ में उल्टा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी इस प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा, शिवराज सिंह जी के द्वारा संबल जैसी योजना, युवाओं को लैपटॉप देने वाली योजना हो, चाहे भावांतर की राशि का भुगतान नहीं हुआ हो, या फिर हमारी बहनों के समूह माफ़ करने के बाद उनका पैसे जमाने के कई तरह की बातें ऐसी थी, किसानों के सम्मान में जो कमी आई थी, 2 लाख तक का कर्ज तो माफ़ नहीं हुआ था, लेकिन उनके ऊपर डिफाल्टर होने की वजह ना उनकी बीमा राशि कंपनियों को डाली गई जिससे उनका बीमे का लाभ नहीं मिला, अन्य कई बातें थी। वादे निभाना एक बात अलग है, पर चल अच्छी भली चलती योजनाएँ, हम कहीं गांव में जाते तो बाहर बैठे हुए बुजुर्ग हमसे पूछ लेते कि भैया ये तीर्थ दर्शन जैसी योजना जिसमें हर तीसरे दिन शिवराज मामा की सरकार में कहीं ना कहीं हमको हम चले जाते थे, वो तक भी बंद कर दी गई थी। और इसी बात को लड़ते हुए जब आए तो धोखा एक तो प्रदेश में उस समय कांग्रेस द्वारा किया था, उसके खिलाफ हम खड़े हुए थे एक बात, और जनता की लड़ाई लड़ते हुए हम आए। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जो प्रत्याशी कहते हैं कि मनोज चौधरी ने धोखा किया, अरे भैया आप हम जिस दिन तक जिस पार्टी में रहे उस पार्टी में रहे, दूसरे दिन जब भी जिस पार्टी के साथ हुए उसके साथ हैं आमने सामने, लेकिन वो तो आप हाट पिपलिया विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लेकर चलते हैं, और जैसे ही हाट पिपलिया विधानसभा खत्म होती है तो सोनकच्छ में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं, तो धोखा कौन करता है, वो करते हैं कि हम करते हैं? 1.25 साल में हम कहीं नहीं कर पाए, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन बिना विधायक रहते हुए शिवराज सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद विगत 6 माह में 1,041 करोड़ से अधिक के कार्यों की स्वीकृति हुई है, विगत कई वर्षों की मांगों को पूरा करा है, साथ ही क्षेत्र में सिंचाई की योजना, पीने के पानी की योजना, सड़कों की कई सड़कें को जोड़ने का काम हो, पुलियाएँ बड़ी जिनकी बरसों से मांग थी, डैम की मांग थी, बिजली से संबंधित कई कामों की स्वीकृति और कई कामों के टेंडर लग गए हैं, और उससे भी ज़्यादा की विशेषकर किसानों को सिंचाई की महत्वपूर्ण योजना का यहाँ पर स्वीकृति दी गई है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इन स्वीकृतियों को हम क्रियान्वयन करा करके और इस हाट पिपलिया विधानसभा को विकास की ओर अग्रसर कराएंगे, सुदृढ़ और सक्षम बनाएंगे। मैं कोई चुनौती नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मनोज चौधरी बनकर चुनाव लड़ रहा है। मैं विगत 1 माह से जब से कोरोना की बीमारी में अस्पताल में भर्ती था, तब वह यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी अनुपस्थिति लगी होगी, मतलब एक बूथ से लेकर के बड़े बड़े विधायक मंत्री जो भी रहे, वो व्यक्ति एक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, एक बहुत बड़ी बात, 100% 1000% मजबूती से और शानदार जीत होगी।